अस्सलाम वालेकुम, पहले सहरी मुबारक हो आप सभी को। और आज हमने सहरी में खाने के लिए सोचा है आलू की नहीं, टमाटर की चटनी। तो निकाले जो टमाटर काटी है कुछ इस तरह से, और ये उसका वो है। और हमारे मम्मी साफ कर रहे हैं कबाड़, मम्मी का किचन मम्मी साफ कर रहे हैं, मैंने हॉल और बेडरूम साफ कर चुकी हूँ, वो भी अच्छी तरीके से नहीं। तो आप सबका कैसा रोजा जा रहा है कमेंट में। रोजा अभी तक रोजा हुआ का है, मतलब सैरी की मैं ब्लॉग बना, ये सैरी का ब्लॉग है। और तो वो वॉशरूम का दरवाजा खुला था तो निकाल बंद हो गए। सो गाइस, आप सभी को चांद रात मुबारक और पहला रमजान भी मुबारक। आज की पहली सहरी आप लोग को शायद ये ब्लॉग कल देखने मिलेगा। तो हम शेयर करना चाहते थे कि हम सहरी वगैरह सब कैसे करते हैं। बढ़ती लग रही हूँ तो देखिए मैं कैसे बनाती हूँ टमाटर की चटनी। तो निगाह बना रही है टमाटर की चटनी। तो हम इसमें डालेंगे सबसे पहले, तो देखो मेरी मम्मी इस तरह से मसाले रखती है बहुत प्यार से, और ऊपर जो सामान तो हम इसमें एक चम्मच डालेंगे जीरा। तेल को होने दें, हो तो गया बनाने का, जल्दी तीन बज चुके। कटी तो सॉरी गाइस, निगार को कॉल आ गया था जोआ का, सैरी के बारे में कह रही थी। तो ये निगार डाल रही है, क्या नाम है इसका निगार? तू जीरा, और उसके बाद राई। हाँ राई डालेंगे हम, इसको अच्छे से पकने देंगे, डोंट वरी। अगर आपको कैसे लग रहा है, और अभी और क्या कड़ी पत्ता नहीं अम्मी है। तो गाइस आप आज मैं कैमरा बंद कर रही हूँ निकाल की। देखो गाइस मम्मी ने पूरा करके रखे, ये मिर्ची मेरे वजह से बाहर आ गई। मम्मी ने बहुत अच्छे से काट वगैरह है, ये पूरा देखो देख सकते हो सब बराबर से काट के। अब मैं तो आज ये भी पियोगी, ये भी पियो। तो हम ये भी डालेंगे कड़ी पत्ता, जल्दी बना, मुझे बस खाने का मन कर रहा है। टमाटर चावल तो चढ़ा, हाँ मम्मी चढ़ा देंगे, मैं नमाज पर लसन मिर्ची दोनों साथ में डाल, स्लो गैस रखते हैं। ठीक है हम ये डाले, गैस स्लो करें चम्मच का। तो मम्मी पूरे कांच के बर्तन धो रहे हैं और मम्मी बोल रहे हैं कि ये सब मत लाया करो जब तुम लोग पीते नहीं हो। तो रमजान में उसमें ही पिएगा, पूरा रमजान उसमें पीने वाला। मम्मी और अप्पी की लड़ाई है, तो लोग एक दूसरे को ताना दे देखो दोस्त। मेरी मम्मी से मेरी भी लड़ाई थी, पर मैंने चांद रात मुबारक करके गले मिल ली तो मम्मी ने मेरे को माफ कर दिया। मेरी मम्मी अच्छे हैं लेकिन बातों से बहुत हर्ट करते हैं। मैं बचा कर आ रहा है दोस्तों, थोड़ा इसको वो उन देंगे। क्या उन देंगे? वो बर्फ की ट्रे दे रहे, बिस्मिल्लाह करके हम ये सारा डालेंगे। और ये जो आप लोग को दिख रहा रहेगा कि कुछ कांदे लंबे हैं और कुछ अलग है, तो गाइस ये जो लंबे कांदे हैं ये मम्मी ने काट के रखे थे, तो मम्मी बोले ये भी ठीक है। अभी ना पूरी रेसिपी रेडी होगी ना, तो मैं आप लोगों को अभी इसके बाद सिर्फ कांदा डालना है, मिर्ची की भुक्की वगैरह वो तो ऑलरेडी हर चीज में डालते, और नमक। तो और ये टमाटर बहुत थोड़ी सी बनेगी यार, तो बहुत चलेगा सहरी के लिए, दो जन के लिए ठीक है, कोई बात नहीं। तो मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद, अम्मी अपनी बिरयानी खाने वाले, उनका बिरयानी का तपेला हुआ रखा है। सो गाइस आप लोग देख सकते हो, आप लोग बोलोगे अल्लाह ये इतना गंदा हो गया था, ये देखिए इतनी धूल बैठ चुकी थी इसके ऊपर। तो अभी मम्मी कर रहे हैं इसको साफ, और मम्मी बोल रहे हैं मुझे ये क्या है अम्मी, अच्छा हाँ ये मैं संभाल के रखी थी, पता नहीं मेरा दिमाग मेरा अब्बा के जैसा ही लगता, कुछ भी चीज़ फेंकने से पहले सोचती हूँ नहीं इससे कुछ बना सकती हूँ। और मम्मी यहाँ कांच के बर्तन धो चुके हैं, और मम्मी ने अभी अभी कुछ जुगाड़ करके आए थे, वो जुगाड़ का है अम्मी हाँ।
तो गाइस अम्मी ने ये जुगाड़ खड़े थे, सोचे थे इसको अच्छे से लगाएगी और इसमें कांच की प्लेट डालेगी और इसको छोटा कराए थे, लेकिन ये फिर भी नहीं आ रहा है। तो अभी मम्मी सोच रहे निकाल दे, वो किसी को दे देना, यूज में आ जाएगा। मम्मी अभी चढ़ा रहे हैं चावल और मेरा ये देख सकते हो भाजी और यहाँ पर चावल और मम्मी के बर्तन भी धुल चुके हैं। अभी मम्मी चाय बनाएंगे ना मम्मी, वो बना लेना दो कप क्या चाय नहीं पीते शरबत बना तो अभी हम लोग जा रहे हैं, अभी मेरी मम्मी चालू हो जाएंगी नहीं तो। और ये आइसक्रीम के स्टिक, तो हम यहाँ से प्लेट निकालेंगे, एक ही में खा लेंगे हम लोग। भाजी बहुत टेस्टी है ना, देखो ऐसे हम लोग खा रहे, बहुत अच्छी बनी है और मेरे को बहुत पसंद भी है भाजी। आप लोग भी आकर खाइए, पूरा ये मेरे को खाली करने बोली और अभी खा रही थी। मैं तेको खिलाऊंगी, चल मेरा मेरे नाम करने वाला, चल जल्दी आ जल्दी, तुम इसे प्यार करते रहेगी तो खाएगी। देख निवाले को नहीं कर, अब किस किस को नहीं मिलता मेरे को बहुत पीना है ले खा, चला खा चल जल्दी, बोलना तेरे को चाहता हो रहा है, मैं भी खाऊंगी ना, जल्दी ले, वेट नहीं कराते खाने को, जल्दी ए ले बिस्मिल्ला कर जल्दी, अरे यार धीरे धीरे खाना, अल्लाह अल्लाह देख रहे का सब बच्चे चाले इसके अंदर। तो गाइस आप लोग देख सकते हो मेरी मम्मी की आँख में नींद है, फिर भी मम्मी सो रही नहीं है, मेरा व्लॉग देखे जा रहे हैं अभी बंद करे, चैटिंग और मेरी फजर की नमाज हो चुकी है और चल रहे क्या नीचे, नीचे चल रहे हो नहीं जाए लगा, ए बाबा चाबी लेके जाओ। गाइस मैं भी नीचे उतर रही हूँ और अभी आ रही है सोहा अपनी बहन के साथ, मतलब आप लोग सोच रहे हो मेरे लोग सैलरी को भी मिल रहे हैं तो भी नींद इतनी जल्दी आएगी। और पारा मेरा तीसरा वो पारा चल रहा है मेरा, क्योंकि जब रमज़ान को कितने दिन, दो दिन बाकी थे तो मैंने स्टार्ट करी थी, मैं सोची थी 10 कर लूँगी, पाँच चौथे या पाँचवें रमज़ान को पूरे 10 पारे हो जाने, क्योंकि जो लास्ट के डे रहते हैं ना फिर वो शॉपिंग के लिए जाना पड़ता है यहाँ वहाँ, तो उसमें टाइम हो जाता है इस वजह से। और अभी तो दिन भी नहीं हुआ है, ये थोड़ा उजाला होएगा तो फिर बैठेंगे। तो जोहा आ चुकी है, दिखाती हूँ आप लोग जोहा को। हेलो गाइस, कब आए तुम लोग दुबई से, दुबई से कब आए, भागो जल्दी गले मिलो जल्दी, कब आए तुम तो जोहा ने हम लोग का ना कहा लेके आई है, जोहा जंगल में क्या अम्मा बाउदी की चीज, तो आप लोग देख सकते हो ये बहुत शर्माती है ये लड़की, अरे ये मुंह पे निकालती है, शर्माती नहीं है वो, ये जोहा की बहन है, हाय बड़ी वाली, हाय चारे हाइट देखो, हाइट कम हाइट ज्यादा है क्या ससुराल, फ्यूचर ससुराल कितना बड़ा है।
गाइस हम लोग अभी आ गए हैं वॉचमैन अंकल से चाबी लेके और निगार खोल रही है गार्डन का गेट। बहुत नाजिरा बहुत एक्साइटेड हो रही है क्योंकि इसको झूला झूलना है। अंकल ने गलत चाबी ले ली, गलत चाबी ली क्या अंकल? तेल है क्या? ताले ताले ये उधर की तो नहीं दिए, ये पीछे से निकलेगा रास्ता। हाँ उड़ के जाएंगे। हाँ 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 सो फनी। मैं ट्राई करूँ क्या? ताला खोलते खोलते पकड़ो तो चला दे। चला देते तुमसे खुलता है कि नहीं? तुम हवा में उड़ने वाले हो। तुम ताला खोले पापा की परी ने खोली। स्लो इतने मामले मत आ। एक्साइटेड हो रही है। बैठो ऊपर से वीडियो बना लेगा। तुम क्या कर रहे हो? वो गोल वाले में जाओ, गोल वाले में। ये दो बच्चे लोग को मैंने लेके आई हूँ गार्डन में। चलो इस पे जाएंगे। कैसा भाग रहा है? मजा आ रहा है? झूला भाग तो मजा आ रहा है। सो गाइस मेरी सुबह हो गई थी 12 बजे कुछ, और मेरी जोहर की नमाज भी हो चुकी है। उसके बाद मैं ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर पाई और मैं कुरान पढ़ रही थी, तो मैं सोची क्यों ना मैं ब्लॉग कंटिन्यू करूं। तो अभी मम्मी बना रहे हैं आज पिज़्ज़ा। मम्मी का मतलब है भी नहीं ताकत, फिर भी मम्मी बना रहे क्योंकि मम्मी ने बहुत सारा काम करे रात में। तो मम्मी चीज़ पकौड़ा बना रहे हैं और पिज़्ज़ा बना रहे हैं और भजिया तलेंगे, भजिया ग्रीन चटनी और कुछ बस। तो कमेंट में बिल्कुल बताना आपका रोज़ा कैसा गया, पहला रोज़ा। मेरा तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो अच्छा ही जा रहा है। अभी मैं जाऊँगी, मेरा तीसरा पारा चल रहा है माशाल्लाह से मुझे। बट कल आज ही पढ़ूंगी, मतलब कैसे ना कैसे करके कल तक पांचवा या छठा पढ़ने का है, कल सुबह तक इंशाल्लाह हो जाएगा। और क्या बोल रही थी मैं? हाँ मम्मी यहाँ भजिया तल रहे हैं, ये मम्मी ने तल चुके हैं और ये मम्मी बना रहे हैं पिज़्ज़ा। क्योंकि हम लोग को कुछ खाने का था चिकन का, और चिकन थोड़े से ही थे घर में रखे हुए, तो मम्मी बोले पिज़्ज़ा बना देती हूँ। और बना रहे हैं मम्मी चीज़, क्या मम्मी? चीज़ पकौड़ा। चीज़ पकौड़ा भी बना रहे हैं। और फ्रूट्स में तो हम लोग ने खाली कलिंगड़ लाए क्योंकि कलिंगड़ ही हम लोग को पसंद है। और ये आ चुके हैं, अच्छे दिख रहे थे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फिर से आ गई हूँ। तो ये भजिया मम्मी ने बनाए हैं और भजिया बन रही है। और ये क्या पता नहीं, हाँ ये चिकन है। अरे निगार रही, निगार क्या कर रही है? अभी निकुजी मैंने बताई आपको।
क्या मतलब मम्मी को तो पता, मैंने तो नहीं सुनी। चीज पकौड़ा बना रही है, चीज पकौड़ा बना रही है। पहले अफ्तार ही रहेगी यार, बहुत मजा आएगा। वो चटनी निकाल, क्या चटनी नहीं हुआ बॉटल में निकाल, धो के रखी उधर बॉटल में, पता नहीं कौन सी बॉटल है। कांच की बॉटल है तो तभी मम्मी ने नवी बॉटल लेकर आई ये ना। इसके रखी ना मिक्सर में, उधर बैठ के बना। क्या चटनी में डाल इसके लिए? कौन सी मेरे को तो कोई चटनी नजर नहीं आ रही है। अल्लाह पीसते किसके अंदर? अच्छा चम्मच लेके तो इसमें निकालने की जरूरत क्या है? इसमें ना दो ना। मैं ना थोड़ा सा निकाल के आती हूँ, फिर बात कर। तो देखो अभी मम्मी बना रहे हैं चीज भजिया, जो बहुत मस्त चीज भजिया, चीज पकौड़े। सॉरी वो थोड़ा संतुलन गायब है। कौन से भजिए? चीज पकौड़े। और ये देखो ये क्या हो रहा है, फीलिंग्स कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? हाँ, वो चीज घसने वाला कहाँ है? क्या कर, इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं निगार? इसको क्या बोलते हैं ऐसा डालने को? वो इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में कुछ तो बोलते हैं ना, आप लोगों को पता है ना। सजा रहे मेरी मम्मी पिज्जा, सजा रहे। और मैंने मैंने बताओ मैंने चटनी बना ली। देखो दुआ पढ़ेंगे, अजान भी हो रही है। खजूर सकते हो ये हौड़ी को? ये ऐसा कहा रही है, इसके मुंह पे लग जा रहा है, इसको मालूम नहीं पड़ रहा। सो गाइस, आप लोग ने देख लिया हमारा आज का रोजा कैसे गया है, और मम्मी यहाँ बना रहे हैं खाना। आई इसमें क्या होगा, अफ्तारी बनाने के बाद मैंने मम्मी को क्या, मैंने मम्मी को बोली मम्मी तुम अफ्तारी अच्छी बना दिया करो, खाना नॉर्मल बनाया करो, दाल चावल हो या फिर कोई भाजी, ऐसी भाजी बनाया करो कि शरीर में भी काम आ जाए, रोटी भी बनाया करो। तो मैं दे दूंगी ना गुन गुन के आटा। मेरी अम्मी ने आज पिज्जा बनाया। चलो दुआ दो मुझे तो दिखा। मैं यहाँ पे साफ करी हूँ, इसमें ये बिछा कर, और ये भी इसको भी मैंने यही बिछा दी। मैं बोलना इससे पहले साफ कर लेते, पर वो हमारी दादू का ऐसा था ना। हाँ, और ये भी सब सामान, मतलब अभी मम्मी रखेंगे, अभी मैंने ऐसा ऐसा रख दी हूँ। हाँ सफाई। और ये बर्तन मैं धुल दूंगी, आधा पारा है, 15 पेज है, पड़ेगा ना बर्तन। तो ऐसा लग रहा थोड़ा सो के उठू वाली एक दो घंटा हुई थी, ऐसा लग रहा है सो जाऊँ। खाना खाती खाती बन क्या खाना बाजी भूल। तो गाइज ये ब्लॉग यहीं एंड करती हूँ मैं। आप सभी को मेरी फैमिली और मेरी तरफ से रमज़ान मुबारक, और मेरी अम्मी की तरफ से भी। दिखाई मैंने दिखाई, वो मैंने खाई नहीं ना पिज्जा, अम्मी ने बनाया, अम्मी ने खाई। तो गाइज ऐसे हमारे डेली ब्लॉग्स आते रहेंगे, हम लोग जो भी बनाएंगे वो सब चीज़ें आप लोग से शेयर करेंगे। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़। और सुबह में मिलती हूँ मैं सैरी के टाइम। अल्लाह हाफिज़।